गुड मॉर्निंग, आप सबको ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बात करते हैं दैनिक नक्षत्र राशिफल, तारीख 6 अप्रैल 2022 के बारे में। श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए प्रेडिक्शन आगे बढ़ाते हैं। विक्रम संवत 2078 चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो पंचमी होगी, इसको श्री पंचमी भी बोलते हैं। और तिथि जो है वो शाम को 6:02 तक है। नक्षत्र रोहिणी शाम को 7:40 तक। योग आयुष्यमान करण कौलव, चंद्र राशि वृषभ है, उच्च के चंद्र है। आज के दिन के अंदर चंद्र रोहिणी और वृक्षीश दो नक्षत्र भोगेंगे। शाम को 7:40 के बाद चंद्र मृग शिरा नक्षत्र में भ्रमण शुरू करेंगे। और बाकी के ग्रहों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। सूर्य रेवती नक्षत्र में मीन राशि के अंदर है, मंगल मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में है, और 7 को राशि परिवर्तन करके चलेंगे कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में। बुध रेवती नक्षत्र में है मीन राशि में, गुरु कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में है कुंभ राशि के अंदर, शनि मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में है, राहु वृषभ कृतिका और केतु वृश्चिक विशाखा, ये ग्रहों की परिस्थिति है। अप्रैल मास के अंदर हर ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जैसे मैंने पहले भी कोई कोई प्रेडिक्शन में बताया है कि सब ग्रह का परिवर्तन जो है, राहु केतु बदल रहे हैं, गुरु बदल रहे हैं, शनि बदल रहे हैं, सूर्य बदल रहे हैं, मंगल और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये ग्रहों का परिवर्तन क्या फल लेके आया है हम सबके लिए, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हर ग्रह का मूवमेंट है, हर ग्रह का चेंजेस होना एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जो लंबे समय से जो दुनिया की गति थम गई थी, रुक गई थी, ये अब मोशन में आने वाली है फास्ट। जैसे मशीन के जो पुर्जे हैं, सब पुर्जे चलते हैं तो मशीन अच्छा रहता है, ऐसे ही सब ग्रह का जो मूवमेंट है ये एक प्रकार से बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आने वाला समय सबके लिए प्रोग्रेसिव है, और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब बात करेंगे आज बुधवार तारीख 6 अप्रैल 2022 के बारे में। तिथि पंचमी है, शाम को 6:02 तक, उसके बाद तिथि षष्ठी चालू होगी। नक्षत्र रोहिणी और मृगशिरा, रोहिणी शाम को 7:40 तक है, तो पूरा दिन रोहिणी का ही प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो वर्किंग आवर्स होते हैं जनरली 8-9 तक रहते हैं, तो पूरा दिन रोहिणी नक्षत्र का जो है वो ही प्रेडिक्शन करेंगे। मृगशिरा का प्रेडिक्शन कल के लिए रखेंगे। तो सूर्य रेवती चंद्र रोहिणी, तो क्या है ये कॉम्बिनेशन मेल फीमेल रिलेशन के बारे में। तो सूर्य के लिए जो चंद्र है ये प्रतिहरी नक्षत्र में है, यानी कि जो मेल पार्टनर है इनको अपने फीमेल पार्टनर की ओर से ऑपोजिशन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो फीमेल पार्टनर हैं इनको अपने मेल पार्टनर की पेट, उनके लिए मेल पार्टनर जो है वो साधक हैं, सक्सेस जोन है। तो कुछ आपको सिखाएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन आप इसका ऑपोजिशन करेंगे। तो ये ग्रहों का इंडिकेशन जो है वो ग्रह संकेत स्पष्ट हो जाते हैं कि ग्रहों का हमारे ऊपर कितना जबरदस्त इफेक्ट होता है। बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। धन भाव के चंद्र है, उच्च के चंद्र है। नक्षत्र रोहिणी जो है ये खास करके अश्विनी वाले जातकों के लिए एक सेम तारा है, भरणी के लिए ये विपद नक्षत्र है, तो
तो सामान्य स्ट्रेस टेंशन टेंशन चिंता रहेगा पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। और कृतिका के लिए ये संपत नक्षत्र है तो आप सबके लिए धन संपत्ति में वृद्धि करने वाले हैं। वृषभ कृतिका के लिए चंद्र धन भाव अपनी ही राशि के अंदर है, लेकिन चंद्र संपत नक्षत्र में है वृषभ कृतिका के लिए, तो आपके लिए धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला है। वृषभ रोहिणी के लिए ये जन्म तारा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। वृक्षशिरा के लिए अति मित्र है, तो आपको अपने पार्टनर की ओर से लाभ होने वाला है। मिथुन राशि के लिए चंद्र 12वें स्थान के अंदर होंगे। मृगशिरा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, तो यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग में खर्च होने की संभावना है। आद्रा के लिए ये मित्र तारा है, लेकिन पुनर्वसु में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों के लिए जो चंद्र है ये शुभ फल देने वाला नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो चंद्र है वो वध नक्षत्र में चलेंगे। 12वें स्थान में और 12वें स्थान में और वध नक्षत्र में जो चंद्र होते हैं वो शुभ फल देने वाले नहीं है, जिसकी कारण जिसका भी जन्म हुआ है मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में, ये जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा। जिनका जन्म का सूर्य पुनर्वसु है या चंद्र पुनर्वसु है, ये दोनों जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा। बात करेंगे कर्क पुनर्वसु के लिए, चंद्र आपके जो हैं वो 11वें स्थान के अंदर होंगे, लेकिन वध नक्षत्र में है, जिसके कारण आपको अपने मित्रों के साथ, स्त्री मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। कर्क पुष्य के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो आपको सफलता देने वाले हैं। कर्क आश्लेषा के लिए वंस अगेन प्रत्यारी नक्षत्र है, अपने स्त्री मित्रों के साथ, आपके संतानों के साथ आपका ऑपोजिशन होने की संभावना है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्र 10वें स्थान में है, जयकर्ता माने जाएंगे। मघा के लिए जो नक्षत्र है एक सैम तारा है। पूर्व फाल्गुनी के लिए विपत नक्षत्र है, स्ट्रेस और टेंशन बढ़ाने वाला है। उत्तरा फाल्गुनी के लिए ये संपत नक्षत्र है, बिजनेस कारोबार में जबरदस्त इंप्रूवमेंट करने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि राशि एक ही है, लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण इसके जो फल हैं वो बदल जाते हैं। आपका और गोचर राशि का दोनों नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाते हैं। तो कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए चंद्र भाग्य स्थान में संपत नक्षत्र में है, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको लाभ करने वाले हैं, बेनिफिट करने वाले हैं। कन्या हस्त के लिए जन्म तारा है, तो मध्यम फलदायी है। कन्या चित्रा के लिए भी मध्यम फलदायी है, अति मित्र नक्षत्र है, तो फिर भी यात्रा प्रवास ट्रेवलिंग से आपको कुछ लाभ होने की संकेत है। तुला राशि के लिए चंद्र 8वें स्थान के अंदर होंगे। पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत केयरफुल रहना होगा। वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, अन्यथा भारी ऑपोजिशन या भारी संकट आ सकता है पारिवारिक मामलों के अंदर। तो नक्षत्र टांगी देखें तो तुला चित्रा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, तुला स्वाति के लिए ये मित्र तारा है, लेकिन विशाखा में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों के लिए चंद्र वध नक्षत्र में होंगे। तो जिनका भी जन्म का सूर्य विशाखा है या चंद्र विशाखा है, ये दोनों जातकों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। व्हीकल ड्राइव के अंदर और सब कार्य के अंदर, एक्सीडेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा व्हीकल के ऊपर ही होता है, घर में भी आप गिर जाओ फिसल जाओ इट्स कॉल ऑल्सो एक्सीडेंट। तो ये सब ग्रहों का खेल है, इफेक्ट है। तो विशाखा का चंद्र जिसका है या सूर्य विशाखा है, तो सूर्य विशाखा में कब होगे, जिनका भी जन्म हुआ है नवंबर 6 से लेकर 19 के बीच में, जिनका जन्म हुआ है 6 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में, ये जातकों के जो सूर्य है वो विशाखा नक्षत्र में होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि सूर्य 13 दिन रहते हैं एक नक्षत्र के अंदर। तो वृश्चिक विशाखा के लिए जो सूर्य है ये आपके सप्तम स्थान में होंगे, तो पार्टनर से आपको कुछ टेंशन स्ट्रेस मिल सकता है। और बात करेंगे धनु राशि के लिए, तो जो चंद्र ट्रांजिट है आपके 6th हाउस के अंदर होगी, रोग शत्रु पर आपको विजय देने वाला है। मूला के लिए एक सैम तारा है, पूर्व अषाढ़ा के लिए विपत नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस टेंशन मिलने की संभावना है। उत्तराषाढ़ा के लिए ये संपत नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लाभ करने वाला है, लेकिन
जो ये ट्रांजिट है खास करके आपको कुछ बेनिफिट तो जरूर करेगी क्योंकि संपत नक्षत्र है। मकर उत्तराषाढ़ के लिए चंद्रा पंचम स्थान के अंदर है तो धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला है। 50% काम होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि जो योनि दोष बनता है नक्षत्र के साथ, रोहिणी नक्षत्र के साथ आपका योनि दोष होने के कारण 100% काम नहीं बनेगा, लेकिन 50% काम आपका जरूर बनेगा। श्रवणा के लिए ये अति जन्म तारा है और धनिष्ठा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, लेकिन पांचवें स्थान के चंद्रा फिर भी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को उजागर करने वाले हैं। तो कुंभ राशि के लिए फल क्या होगा, चंद्रा चौथे स्थान के अंदर है, कृतिका का चंद्रा तो ज्यादा खराब था, रोहिणी का इतना ज्यादा स्ट्रेस वाला नहीं है, लेकिन फिर भी नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो कुंभ धनिष्ठा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, कुंभ शतमीषा के लिए ये मित्र तारा है, लेकिन कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए ये वध नक्षत्र होगा। तो शाम को 7:40 तक आपको बिजनेस और करियर के रिगार्डिंग कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के लिए, जो चंद्रा है वो पराक्रम स्थान के अंदर होंगे, मीन पूर्व भाद्रपद के लिए वध नक्षत्र है रोहिणी, तो अपने ब्रदर सिस्टर्स नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। वृषभ सॉरी मीन उत्तर भाद्रपद के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो आपके लिए सक्सेस जोन है, भाग्य में वृद्धि होने वाली है, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको लाभ होने वाला है। और वृषभ सॉरी मीन रेवती के लिए जो आज का नक्षत्र है ये प्रत्यारी है, ऑपोजिशन होगा आपके भाई बांडू या आपके नेबर्स के साथ। तो रोहिणी नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, फीडिंग टू स्नैक, सर्प को खिलाना है। अब बोले आप बोल रहे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हाँ जी बिल्कुल आपकी बात सही है, सर्प को खिलाना पॉसिबल नहीं है, और सर्प जो हम खाते हैं खिलाते हैं वो भी सर्प नहीं खाएंगे। तो क्या करना है इसकी अवेजी में, इसके पहले वाला जो नक्षत्र है कृतिका जिसकी योनि है मेष, मेष माने भेड़ जो बकरियों के साथ रहता है, तो इंग्लिश में इसको शीप बोलते हैं, हिंदी में इसको भेड़ बोलते हैं, हमारे गुजराती में इसको घेटा बोलते हैं, तो इसको आपको खिलाना है। घेटा को आप क्या खिलाएंगे, भेड़ को आप कुछ ग्लूकोज बिस्किट खिला दीजिए या तो रोटी घर से ले जाके खिला दीजिए, कुछ भी खिलाइए लेकिन खिलाइए जरूर नक्षत्र रोहिणी शांति के लिए है। और सूर्य का जो रेवती नक्षत्र है इसकी शांति के लिए आपको हाथी को खिलाना है, फीडिंग टू एलिफेंट, एलिफेंट को आप क्या खिलाएंगे, हरा वाला मूंग, ग्रीन ग्रीन जो मूंग आता है हरा वाला मूंग या तो हरा वाला घास, ये आप हाथी को खिलाएं, गुड़ के लड्डू भी बना के घर से ले जाके आप खिला सकते हो हाथी को। तो आशा करते हैं आपको ये प्रेडिक्शन समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आ रहा है आपको ये प्रेडिक्शन तो तारा चक्र समझने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रह जो नक्षत्र में होते हैं इस नक्षत्र के हिसाब से ही फल देते हैं। जन्म के नक्षत्र से कौन से तारा के अंदर ग्रह का स्थान चल रहा है, कौन से तारा के अंदर आपके जन्म के तारा से गोचर ट्रांजिट का तारा कौन सा चल रहा है उस ग्रह का, इसके ऊपर से ये प्रेडिक्शन का इफेक्ट होता है। चंद्रा नक्षत्र के साथ साथ आप अपने सूर्य नक्षत्र से भी इस प्रेडिक्शन को चेक करें और इफेक्ट महसूस करें। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। नमस्कार, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी, जय द्वारकाधीश।